अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228 95 69 05, 88 73 97 36 80। नमस्कार, मैं हूं अन्नू सिंह और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 349 नए मामले, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 11,460। बिहार में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज की संख्या मिलती जा रही है। अभी अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट के मुताबिक कोरोना के 349 मरीज मिले हैं। राज्य में आंकड़ा पहुंचा 11,460। कोरोना से शिक्षा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी की मौत। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को पटना एम्स में कोरोना से समस्तीपुर जिला के शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की मौत हो गई। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने हाथ जोड़कर की लोगों से ये खास अपील। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कई बार चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि कोरोना को हल्के में ना ले, अपनी और अपने परिवार की रक्षा खुद करें। स्वास्थ्य विभाग का फरमान जारी, बिहार में मास्क नहीं पहनने पर होगी सख्ती, देना होगा जुर्माना। बिहार में अगर कोई बिना फेस मास्क के दिखेगा तो उससे ₹50 जुर्माना वसूला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में महामारी COVID-19 विनियमावली 2020 में संशोधन करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों पर ₹50 अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने इससे संबंधित अधिकार DM को। राम विलास चार बार मुझे कर चुके हैं फोन। सूत्रों के अनुसार बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी से कहा कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा के वरिष्ठ नेता राम विलास पासवान उनको चार बार फोन कर चुके हैं। राम विलास उनके संपर्क में हैं और वो महागठबंधन में आना चाहते हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और RJD नेता उदय नारायण चौधरी का कहना है कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है वह अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रही है। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उनके बेटे MLC कैसे बन गए। तेज प्रताप मथुरा में एक सप्ताह से कर रहे पूजा पाठ, मांगी बांके बिहारी से मन्नत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का वज्र से लगाव किसी से छुपा नहीं है। पिछले करीब 7 दिनों से तेज प्रताप यादव वज्र में रहकर ही राधा कृष्ण के दिव्य क्रीड़ा स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव में राजद की सरकार बन सके उसके लिए पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। स्थापना दिवस पर साइकिल चलाएंगे RJD के नेता। कोरोना महामारी और पार्टी में बढ़ती नेताओं की नाराजगी के बीच इस बार 5 जुलाई को राजद का 24वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर पार्टी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए साइकिल यात्रा निकालने का फैसला लिया है। सुखासन बाबू ने बिहार में सुई का कारखाना तो नहीं लगाया लेकिन तबादला उद्योग जरूर लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बिहार सरकार के द्वारा राजस्व और भूमि सुधार विभाग में तकरीबन 255 अंचलाधिकारी समेत 400 अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दिया जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने बिहार में तबादला उद्योग लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी अभी जून महीने में सबसे बड़ा तबादला घोटाला हुआ है। पटना एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे थे फर्जी आईडी के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को फर्जी आईडी के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों युवकों की पहचान सुपौल का रहने वाला अब्दुल समद, कुंदन कुमार और अयूब खान के रूप में की गई है। ये तीनों युवक फर्जी पहचान पत्र लेकर इंडिगो की फ्लाइट से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। CIESF ने खुफिया सूचना के आधार पर तीनों से पूछताछ की लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट GS रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 2। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने बरामद किया 5 बम इलाके में दहशत। भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी में पुलिस को एक पॉलीथीन बम मिला है। तेतरी बुद्धूचक गांव के एक बगीचे में पुलिस ने एक पॉलीथीन बम बरामद किया है जिसमें लगभग 5 बम होने की बात बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बगीचे में एक बैग रखा हुआ था। लोगों ने बैग चेक किया तो उसमें बम था, जिसके बाद इस
घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर हम लोग यहां आकर जांच कर रहे थे। फिलहाल बम को कब्जे में ले लिया गया है और पता लगाया जा रहा है कि बम किसने रखा। बीप सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खतरा बढ़ा। 1 जुलाई को सीएम नीतीश और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी से अगल बगल। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके परिवार के कई अन्य सदस्य पॉजिटिव मिले। जानकारी के अनुसार सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना सैंपल की जाँच की गई तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें कि कार्यकारी सभापति के अलावे उनकी पत्नी एवं कई अन्य सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाघ। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए उनके नाम हैं प्रीतम कुमार, उसके बाद है सनी पराशर, अभिनव मानस, मिथुन पटेल, शिवम कुमार, नीरज जायसवाल, मोहित पंडित, संकेत शिवम, राजा जायसवाल और धूम यादव। अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए उनके नाम हैं निशीष कुमार, उसके बाद है सत्यम यादव, प्रतिभा झा, राजा जायसवाल, पुष्पेश परासर, आशीष आचार्य, राजेश कुमार, एमडी अंजार, सरोज कुमार और नवनीत झा। इनके अलावा बहुत से पाठकों ने सही जवाब दिया लेकिन समय के अभाव में हम उनका नाम नहीं ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।